इग्नाइट, देखो इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना या आग सुलगाना, सुलगना, ठीक है, ये एक वर्ब है। अब देखो पास में आप एक इमेज देख पा रहे होंगे कि एक माचिस की काड़ी है, ठीक है, एक मैचिस्टिक है जिससे दूसरी मैचिस्टिक को आग लगाया जा रहा है, डेट आग लगाना है सुलगाना। अब ये सारी मैचिस्टिक अगर जल जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो बर्न हो जाएंगी, वो जल जाएंगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है, देखो मैं बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं इग्नाइट। चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। यहां से तो आप वैसे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि आग लगाना या सुलगाने को कहते हैं इग्नाइट। वो जल जाएगा, डेट इज बर्न, बर्न एक अलग चीज हो गई। एग्जाम्पल देखो, वेन यू इग्नाइट समथिंग और वेन इट इग्नाइट्स इट स्टार्ट्स बर्निंग और एक्सप्लोड्स। जो मैंने समझाया वो देखो एग्जाम्पल पे आ गया। जब आप किसी चीज में आग लगाते हो या किसी चीज को आग सुलगाते हो और जब वो सुलग जाती है वो क्या होती है, जलने लगती है या फट जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर बॉम्ब जलाते हो तो बॉम्ब में पहले जाके आप आग लगाते हो, उसके बाद वो फूटता है, एक्सप्लोड होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज को जलाते हो तो पहले उसे आग लगाते हो, बाद में वो जलती है, डेट आग लगाना इज इग्नाइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द बॉम्ब्स इग्नाइटेड अ फायर विच डिस्ट्रॉयड सम 60 हाउसेस। तो बॉम्ब्स थे, उन्होंने क्या की, उन्होंने आग लगा दी किसे, फायर को, जिसने 60 हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, स्पार्क फ्रॉम द इंजन इग्नाइटेड द पेट्रोल एंड बाइक गॉट बर्न। एक स्पार्क निकला इंजन से जिसने पेट्रोल में आग सुलगाई और बाइक जल गई, बर्न जल गई। तो फ्रेंड्स आज का ये वर्ड था इग्नाइट, जिससे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इग्नाइट का मतलब क्या, बर्न का मतलब क्या है। तो इस वीडियो को आप अगर दो चार बार देख लेते हो तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इग्नाइट का मतलब क्या होता है। मैंने बहुत ही क्लियर, बहुत ही प्रैक्टिकली इसे समझाया। एक बार रिवर्स करो, देखो, समझो और आगे बढ़ो। चलो मैं मिलता हूँ नए वर्ड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हाँ, सब्सक्राइब